हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित आगर। मेरे नए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे दिल्ली पुलिस में एक भर्ती यहां पे निकल चुकी है जिसे आप भी भर सकते हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया के लिए है भाई, ठीक है। इसमें कोई भी स्टेट भर सकता है और मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा इसमें और आपको ऑफिशियल चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देख लेना है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे रेड वाले बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस वीडियो में एम रखते हैं भाई 30 लाइक का, तो प्लीज़ 30 लाइक दे देना। मुझे उम्मीद है कि आप दे दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती होने वाली है ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होने वाली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए भाई, ठीक है। और ये जो भर्ती, जो ये चार्ट लॉन्च हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 16/3/2020 को हुआ है और ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी इसका जो यहाँ पर ये ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है पास और आपके कुछ दिनों में भर्ती भी आपके सामने आ जाएगी। इसकी डेट और कब से इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब इसका एडमिट कार्ड लॉन्च होगा, पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। फिलहाल इसी में अभी इसका एक चार्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे मोहर भी लगी हुई है, आप देख लीजिए, कोई फेक नहीं है ये। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप से ले सकते हो और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस टाइप के यहाँ पे मार्क्स होंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, 100 नंबर का मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा और आपको यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देख लीजिए, PE और MT आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। फिर आपको यहाँ पे भाई कास्ट के हिसाब से आपको क्या कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपकी होती है, OBC जर्नल और SC ST वाली, वो सिस्टम यहाँ पे चलेगा भाई, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, इसे ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, दिल्ली वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, हरियाणा, UP और कोई अदर बोर्ड है वो भी कर सकता है। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको +2 होनी चाहिए, ठीक है, +2 होनी चाहिए आपके पास। और कोई भी आपकी NCC हो या कुछ भी आपके सर्टिफिकेट हो सपोर्ट्स का, वो भी सब आप यहाँ पे लगा सकते हो। जो एज है भाई यहाँ पे 18 से 25 यहाँ पे की हुई है। इसमें आप भाई, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास BA मतलब कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप सब इंस्पेक्टर का भी आप भर सकते हो भाई, ठीक है। कॉन्स्टेबल का आप 12th क्लास से भरोगे और सब इंस्पेक्टर का आप ग्रेजुएशन लेवल पे भरोगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो ठीक है। यहाँ पे और आपको यहाँ पे आप इस PDF को पूरी ढंग से क्लियर पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और ये भाई जो भर्ती है भाई एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है, जो आर्मी से रिटायर हों या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपके पापा भी आर्मी में हैं और वो रिटायर हो चुके हैं 15 साल नौकरी करने के बाद या 15-16 साल करने के, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनका बहुत नॉर्मली यहाँ पर नंबर इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लेना हाइट कितनी मांगी है, किस स्टेट के लिए कितनी है और क्या क्या हिसाब है, क्या फिजिकल है। फिजिकल आप यहाँ पे देख लीजिए, 30 ईयर्स जो ऊपर हैं उनको 6 मिनट में 14 फीट और 3-9 हाई जंप रहेगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी है, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप पूरी यहाँ पे डिटेल दिया, अगर मैं आपको बताने लगूँगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये PDF मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।